सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है, तो ऐसे में इस नाश्ते को पौष्टिक और हेल्दी बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना भुना हुआ चना लिया है। यदि आपके पास भुना हुआ चना नहीं है तो आप अपने घर में चना दाल हो तो चना दाल को भी कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा भून लें, उसके बाद में इस तरह से पीस सकते हैं। चना दाल को भूनते समय आपको थोड़ा सा उसमें तेल या घी डालना जरूरी है। और यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची ली है, इसके डंठल निकाल देते हैं और इसको तोड़ करके इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना नारियल का बुरादा लिया है। यदि आपके पास गोला वाला नारियल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके वही छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल दें या कद्दूकस करके डाल दें। अभी ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमें पीस करके तैयार कर लेना है। इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा करना है। तो आप देख पा रहे हैं हल्का दरदरा लग रहा है। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, पर लाल मिर्ची का पाउडर हमें इस समय नहीं डालना है। कब डालना वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऐसा पाउडर बना करके आप बॉटल में भर के फ्रिज में रख देंगे तो 15-20 दिन भी खराब नहीं होता है, और बहुत सारी रेसिपी में इसे हम यूज कर सकते हैं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में मेजरिंग कप के हिसाब से 5 कप मुरमुरे लिए हैं। इससे जो नाश्ता बनेगा वो 4 से 5 लोगों के लिए सफिशियंट है। तो कुछ लोग इसे मुरमुरा बोलते हैं, कुछ लोग इसे लाई भी बोलते हैं, और राजस्थान में इसे फूलियां बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे पफ्ड राइस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है और पूरे मुरमुरे को इसमें डाल देते हैं, और एक बार इसको इस तरह से धो लेते हैं। क्योंकि मुरमुरे कभी भी मिट्टी के अंदर डाल करके भुने जाते हैं तो इसके ऊपर मिट्टी की मात्रा थोड़ी सी रह जाती है, तो उसको निकालना जरूरी है। हमारे पेट में मिट्टी नहीं जानी चाहिए। इस तरह से आप इसे 1 से 2 मिनट तक डुबा करके धो लें, जिससे इसके ऊपर की मिट्टी होगी वो पानी में चली जाएगी। इसी के साथ ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और मिट्टी हमेशा भारी होती है तो पानी के नीचे चली जाएगी। तो देखिए पानी काफ़ी गंदा हो रहा है। अभी 2 मिनट मैंने इस तरह से इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसको हाथ में लेकर के निचोड़ करके निकाल लेंगे, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। मुरमुरे का वैसे मैंने आपको बहुत तरह के नाश्ते बनाने बताए हैं, उनके यदि आपको रेसिपीज देखनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आप तो आप देख पा रहे हैं पानी कितना गंदा हो गया है, देखिए काफ़ी धुंधला लग रहा है। इसी के साथ जो मुरमुरे मैंने पानी में से निकाले हैं धीरे धीरे पड़े पड़े और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक साइड में मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है और पानी में अच्छा उबाल भी आ गया है, तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना सोया बड़ी लिया है। ये मैंने बड़े वाले पीस लिए हैं, आप चाहे तो छोटे वाले चंक्स भी ले सकते हैं। तो अभी उबलते पानी में इसको डाल देना है और इसको लगभग हमारे को 5 से 7 मिनट तक उबालना है। 5 से 7 मिनट में अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। यदि आप इसे उबालना नहीं चाहते हैं तो पानी को गर्म करके एक बाउल के अंदर डाल दें और उसमें सोया वड़ी डाल दें। 10 मिनट आप ढक्कन लगा के रख देंगे तो आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी सोया वड़ी को मैंने 5 मिनट तक उबाल लिया है और 5 मिनट में ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी फूल गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। आप दबा के देखेंगे तो सॉफ्टली दब रही है, बहुत ही अच्छे से दब रही है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर जर लगा दी है, तो सोया वड़ी को इसमें छान लेते हैं और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे क्या जल्दी ठंडी हो जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। अभी सोया वड़ी ठंडी हो गई है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गई। इस तरह से करेंगे तो ये टूट जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, आराम से टूट जाती है। अभी सोया वड़ी ठंडी होने के बाद में इसको हमें निचोड़ लेना है। इसका निचोड़ करके पूरा पानी निकाल देना है और पानी निकाल करके इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। सोया वड़ी में आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो सभी के पेट में प्रोटीन भी चला जाता है और खाने में स्वाद भी बढ़ जाता है। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम दरदरा पीसेंगे। इसका मेन पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसको मैंने पल्स मोड पे 3 बार पीसा है। इस तरह से इसके चंक बन गए हैं, बहुत महीन भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है। देखिए आज की रेसिपी में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 1/3 कप जितने सिंगदाने डाल देते हैं और सिंगदाने को इसमें अच्छे से भून लेते हैं। आँच को इस समय हमें मध्यम ही रखना है। ये मैंने कच्चा सिंगदाना लिए हैं इसलिए इसको भूनना जरूरी है। इसे बराबर चलाते रहे, तेल में फटाफट भून जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप देख पा रहे हैं सिंगदाने के मुँह खुलने लग गए हैं और इसके चटकने की आवाज़ भी आने लग गई है। इसको लगभग मैंने 30 सेकंड तक पकाया है। अभी यहाँ पर मैंने 1 आलू लिया है जिसको इस तरह से छोटा छोटा काटा है। आलू को आप इस तरह छोटा छोटा काटें, इसे जल्दी पक जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम 1/2 छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं और 1/2 छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। राई में पहले डालना भूल गई थी, इसीलिए सेंटर में मैंने थोड़ा सा होल करके राई को पका लिया है। आप मूंगफली डालने के बाद में राई डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आलू को मैंने पतला पतला काटा इसलिए जल्दी पक जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
थोड़ी देर के बाद में हल्का सा दबा के देख लें, इस तरह से आलू टूटने लग जाता है। देखिए आलू आराम से टूट रहे हैं, इतना ही हमें पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ज्यादा पका लेंगे तो आलू मैश होने लग जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने लच्छा में काटा है, ये इसमें डाल देते हैं। और 8 से 10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इस समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है जिसको छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी आपकी रेसिपी तो अच्छी ही बनेगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना फ्रोजन मटर लिया है, ये फ्रोजन मटर है। यदि आपके पास फ्रेश मटर हो तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। फ्रोजन मटर को और प्याज को हम साथ नहीं पका रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि फ्रोजन मटर काफी सॉफ्ट होते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है। प्याज के साथ साथ ये भी पक जाएंगे। इसे लगभग हम 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे जिससे मटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी शक्कर ली है, ये शक्कर इसमें डाल देते हैं। ये मैंने साबुत शक्कर लिया इसीलिए मैं इस समय डाल रही हूँ। यदि आप शक्कर का पाउडर लेते हैं तो बाद में डाल सकते हैं, तो प्याज के पानी के साथ में शक्कर भी गल जाएगी। और शक्कर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसमें इसका मिठास नहीं आएगा पर सारे फ्लेवर है वो ब्लेंड हो जाएंगे। देखिए सभी चीजें अच्छे से पक गई हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। टमाटर को मैं बहुत ज्यादा नहीं पकाना, टमाटर की सॉफ्टनेस और थोड़ी सी क्रंच इसमें अच्छी लगती है। भी टमाटर को भी लगभग मैंने आधा मिनट तक पका लिया है। आधा मिनट में टमाटर देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं पर इसके साबुत दिख रहे हैं, जिससे क्या इसको लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। इसी के साथ जो सोया वड़ी को हमने तैयार किया था पीस के वो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये तो अच्छे से पकी हुई है कि इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसको इसमें खाली मिक्स कर लें तो आप देख पा रहे इसके जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं वो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी के साथ सोया चंक के कारण से खाने में भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगेगा। सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो पोहा को हमने धोके रखा है वो इसमें डाल देते थे, आप देख पा रहे पोहे एकदम खुले खुले हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक किया करें, और यूट्यूब पे देख रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पे देख रहे तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। सबको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल देंगे और ढक्कन लगा करके एक बार इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। इसे जो मुरमुरे हैं उसके अंदर भी सभी फ्लेवर से अच्छे चले जाएंगे। आँच को इस समय हमें बहुत ही धीरे कर लेना है। अभी इसको मैंने 2 मिनट तक पका लिया है और ढक्कन खोल के देख लेते हैं। 2 मिनट में देखे बहुत ही अच्छे फूले फूले बन जाते हैं। तो इसमें हम 1 नींबू का रस डाल देते हैं, हल्की सी खटाई इसमें नींबू का रस की आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ जो पाउडर हमने बना के रखा है उस पाउडर को पूरा हमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पाउडर इस रेसिपी की मेन जान है, इसके डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप देख पा रहे सारे मुरमुरे खिले खिले हो गए हैं, कोई भी चिपके हुआ नहीं है। ये पाउडर आपको लास्ट में ही डालना है। इस तरह का पाउडर डाल करके यदि पोहा भी आप खाएंगे तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ इसे सर्व कैसे करना है। इसे सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। सबसे पहले इस नाश्ते को हम इसमें डाल देते हैं। आप सोच रहे होंगे इस नाश्ते का नाम क्या दें, मैं मेरे घर में इसे मुरमुरे और सोयाबीन का पोहा कहती हूँ। आप क्या कहना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसे हम ऐसे ही सर्व नहीं करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम भुजिया डाल देंगे, थोड़ा सा भुजिया डाल करके सर्व कर, जिससे इसका लुक भी अच्छा आता है और खाने में भुजिया का क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश नारियल डाल सकते हैं, या नारियल का बुरादा हो तो वो भी डाल सकते हैं। इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए मैंने एक चटनी बनाई है। आप चाहो तो इसे धनिया की चटनी के साथ में या टमाटर केचप के साथ में किसी के साथ में सर्व कर सकते हैं। आखिर में ये प्लेट हम सुबह के नाश्ते के लिए सर्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ फ्रूट तो होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट को काट करके फ्रूट क्रीम बना दिया है। आप चाहे तो फ्रूट क्रीम डाल के बना सकते हैं। मैंने तो मलाई को फेंट करके ये क्रीम बना दिया है। हम भी जाकर के इस गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।